हेलो एवरी वन वेलकम टू सेपियंस इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम एक्टिविटीज रिलेटेड टू फोटो सिंथेसिस आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस इन द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथिसिस आई हैड टोल्ड यू कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सन लाइट एंड क्लोरोफिल दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटो सिंथिसिस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सन लाइट एंड क्लोरोफिल तो इस लेक्चर में हम कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले हैं उस एक्टिविटीज से हमें यह पता चलेगा कि वाकई कार्बन डाइऑक्साइड के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती या वाटर के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती तो इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज सम एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ वेन एवर यू परफॉर्म एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस ऑन अ पर्टिकुलर प्लांट कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो कि बेसिक स्टेप्स होते हैं हर एक्टिविटी में कॉमन होते हैं ठीक है तो अभी हम ये जानेंगे कि बेसिक स्टेप्स क्या हैं उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द एक्टिविटी वन बाय वन तो जो सबसे पहला बेसिक स्टेप है दैट इज डी स्टार्चिंग द प्लांट डी स्टार्चिंग डी का मतलब रिमूव करना और स्टार्चिंग मतलब स्टार्च तो स्टार्च को रिमूव करना है प्लांट से बिफोर परफॉर्मिंग एनी एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन दैट पर्टिकुलर प्लांट अब ये डी स्टार्चिंग करते क्यों हैं इसको समझिए आप हम जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस की किसी ही प्लांट पे तो आखिरी में हम चेक कैसे करते हैं उसको लास्ट में हम ये चेक करते हैं कि अगर उस प्लांट में स्टार्च बना है अगर उस प्लांट में स्टार्च प्रेजेंट है तो दैट मीन्स उसमें फोटो हुई है और अगर उसमें स्टार्च नहीं प्रेजेंट है तो दैट मीन्स उसमें फोटो नहीं हुई है क्लियर तो अगर अब हम कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए एक्सपेरिमेंटली उसको टेकअप कर रहे हैं तो उसमें यह जरूरी है कि पहले से कोई स्टार्च ना होना चाहिए अगर उसमें पहले से स्टार्च प्रेजेंट है तो हमको यह कैसे पता चलेगा कि हमने जो एक्टिविटी परफॉर्म की है यह स्टार्च उसी एक्टिविटी में बना है हो सकता है वो स्टार्च प्लांट में पहले से प्रेजेंट हो तो इसलिए जब भी हम कोई फोटोसिंथेसिस रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो पहले उस पर्टिकुलर प्लांट में से जितना भी स्टार्च होता है वो रिमूव करवा देते हैं जस्ट टू एंश्योर दैट कि जो भी स्टार्च प्लांट में एक्टिविटी के बाद प्रेजेंट है वो सारा स्टार्च इस एक्टिविटी के टाइम में ही बना है सो द फर्स्ट बेसिक स्टेप इन ऑल द एक्टिविटीज इज डी स्टार्चिंग द प्लांट ना हाउ टू डी स्टार्च द प्लांट प्लांट को डी स्टार्च करने का बहुत आसान तरीका है उस प्लांट को आप किसी अंधेरे कमरे में डार्क प्लेस पे एक दिन से लेके लगभग तीन दिन तक यानी डिपेंड करता है प्लांट के साइज के ऊपर अगर छोटा प्लांट है तो एक दिन में हो जाएगा अगर ज्यादा बड़ा प्लांट है तो दो से तीन दिन उस प्लांट को डार्क में रखना पड़ेगा डार्क में रखने का मतलब क्या है अगर हम प्लांट को डार्क में रखेंगे यानी लाइट नहीं है और लाइट नहीं है दैट मीन्स फोटो बिना लाइट के नहीं हो पाएगी जब मैंने आपको बताया था लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में तो लाइट रिएक्शन स्टार्टिंग फेज है फोटोसिंथेसिस का उसके बाद फिर आता है डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के लिए सनलाइट चाहिए या कोई भी रेडिएंट एनर्जी चाहिए अब जब हमने प्लांट को डार्क में रख दिया तो होगा क्या फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं तो ऑलरेडी उसके अंदर पहले वाला जो स्टार्च प्रेजेंट है वो सब कंज्यूम हो जाएगा धीरे धीरे ठीक है धीरे धीरे वो सारा स्टार्च कंज्यूम हो जाएगा अब डिपेंड करता है प्लांट के साइज़ के ऊपर अगर प्लांट बड़ा है तो उसमें ज़्यादा स्टार्च होगा अगर प्लांट छोटा है तो उसमें कम स्टार्च प्रेजेंट होगा तो ओवरऑल एक से लेके लगभग तीन दिन के बीच में इस प्लांट को अगर हम डार्क में रखेंगे तो सारा स्टार्च प्लांट का खत्म हो जाएगा तो दिस इज नोन एज डिस्टार्चिंग इन विच वी कीप द प्लांट इन डार्कनेस फॉर 24 फोर टू सेवेंटी टू आवर्स नाउ दिस प्लांट इज रेडी फॉर एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस तो सबसे पहले जो हमारा पहला एक्टिविटी है एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस दैट इज टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस हमें कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती वाटर मिल रहा है ठीक है तो वाटर इसको सॉइल से मिल रहा है प्लांट को प्लस यह पॉटेड प्लांट अब डार्कनेस से निकाल के अब एक्टिविटी शुरू हो गई है तो अब इसको हम सनलाइट में ले आएंगे तो इसको सनलाइट भी मिल रही है इस प्लांट को सनलाइट भी मिल रही है अच्छा ये ग्रीन प्लांट है तो ग्रीन प्लांट है तो इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा ठीक क्लोरोफिल ही प्रेजेंट होगा एंड दिस प्लांट केप्ट इन ओपन ओपन में है तो इसको एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही होगी लेकिन हमने क्या किया हमने किया कि यहाँ पे आपको देखिए कुछ लीव्स दिख रही हैं ये ओपन में है एक लीफ को मैंने क्या किया है कि कोनिकल फ्लास्क में पैक कर दिया है और उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रो डाल दिया है इस पोटेशियम हाइड्रो का काम क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है ठीक अब इस लीफ को जो कि इस फ्लास्क के अंदर है इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगी जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगी वाइक क्यों नहीं मिल पाएगी क्योंकि के ओ एच पोटेशियम हाइड्रो जो है इट इज़ एब्जॉर्बिंग ऑल द एवेलेबल सी अराउंड इट तो इस लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगी तो अब इस सेटअप के साथ हमने इस प्लांट को पूरे दिन के लिए छोड़ दिया है वहाँ पर जहाँ पे उसको सनलाइट मिल रही है वाटर मिल रहा है क्लोरोफिल पत्तियों में फ्लीज में पहले से प्रेजेंट है अब इसको छोड़ दिया मैंने पूरे दिन भर के लिए अब आफ्टर द डे इज ओवर तब मैंने क्या किया इस कोनिकल फ्लास्क को निकाला अब ध्यान से सुनिएगा अब मेन एक्टिविटी शुरू होने वाली है तो हमने क्या किया इस कोनिकल फ्लास्क को निकाल लिया अब ये लीफ जो कि के में प्रेजेंट थी इसको कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं था ठीक इस लीफ को हमने तोड़ लिया उस प्लांट से और तोड़ने के बाद अब क्या किया अब हम करेंगे उस पर स्टार्च टेस्ट ये चेक करेंगे कि इस लीफ में जो कि कोनिकल फ्लास्क के अंदर थी के प्रेजेंट था इसके ऊपर स्टार्ट इस टेस्ट करेंगे नाउ हाउ टू परफॉर्म द टेस्ट ये कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं ये स्टेप्स आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये जो स्टेप्स हैं इनको आप भूलिएगा नहीं मैं एक एक करके स्टेप्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जो पहला स्टेप है स्टार्च टेस्ट का दैट इज ये जो लीफ है जिसपे हमको स्टार्च टेस्ट करना है उसको पहले हम थर्टी सेकेंड्स तक बॉयलिंग वाटर में डालेंगे ठीक है थर्टी सेकेंड्स तक बॉयलिंग वाटर में डालेंगे नाउ इसको डालने से बॉयलिंग वाटर में होगा क्या क्यों हम लीफ को बॉयलिंग वाटर में डाल रहे हैं जस्ट टू डिस्ट्रॉय ऑल द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द लीफ हम चाह रहे हैं कि जितनी भी एंजाइम्स लीफ में प्रेजेंट हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएं ताकि जो हमारा स्टार्च बना है उसका कंजम्पशन ना हो वो खत्म ना हो जाए उसका मेटाबॉलिज्म ना हो जाए टू स्टॉप ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी फोटोसिंथेसिस तो यहाँ पर हो गया था ठीक अब फोटो होने के बाद अब कुछ नहीं होना चाहिए अगर स्टार्च उसके अंदर बना है तो भी ठीक है नहीं बना है तो भी कोई बात नहीं लेकिन जब हमारा सेटअप ओवर हो गया हमने प्लांट को हटा लिया पूरे दिन के बाद तो अब इस प्लांट में फर्दर चेंजेस नहीं होने चाहिए वरना हमको ये समझ भी नहीं में नहीं आएगा कि इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो एक्टिविटी के समय हुए हैं या एक्टिविटी के बाद हुए हैं तो फ़ौर जैसे ही एक्टिविटी ओवर हुई हमने क्या किया इस लीफ को यहाँ से प्लग किया और उसको बॉइलिंग वाटर में डाल दिया उसको सीज करने के लिए कि अब उसमें कोई चेंज नहीं होंगे जो होने थे वो यहाँ पर हो गए ठीक तो उसको बॉयलिंग वाटर में डाल दिया सारी एंजाइम्स उसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और उसमें एज सच अब कोई चेंज नहीं होगा क्लियर नाउ द सेकेंड स्टेप अब इस लीफ को मिथाइलेटेड स्प्रिट में या एल्कोहल में बॉयल करेंगे ठीक है इस लीफ को मिथाइलेटेड स्प्रिट या एल्कोहल में बॉईल करेंगे नाउ वाई टू इट अगेन जैसे यहाँ पे लिखा था कि बॉइलिंग वाटर में इसको डालेंगे थर्टी सेकेंड्स तक तो इसको आपको मालूम होना चाहिए कि क्यों डालेंगे बॉइलिंग वाटर में सेकेंड यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको लीफ को बॉयल करेंगे मिथाइलेटेड स्प्रिट या एल्कोहल में इसका भी रीजन आपको मालूम होना चाहिए कि बॉयल क्यों करते हैं बॉयल करने की वजह यह है कि लीफ का कलर जो क्लोरोफिल है वो निकल जाता है रिमूव हो जाता है लीफ डी कलराइज हो जाती है ठीक अब डी कलराइज क्यों होती है उसका जवाब आपको आगे स्टेप पे मिलेगा तो यहाँ पे आप सिर्फ अभी इतना समझिए कि यहाँ पर मिथाइलेटेड स्प्रिट या अल्कोहल में बॉयल लीफ को इसलिए किया जाता है ताकि लीफ का कलर छूट जाए लीफ डी कलराइज हो जाए तो जब हमने लीफ को मिथाइलेटेड स्प्रिट या अल्कोहल में डाला था उसको डी कलराइज करने के लिए बॉयल किया था एल्कोहल में तो लीफ जो है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है ठीक है लीफ हार्ड हो जाएगी अब अगेन टू मेक द लीफ सॉफ्ट अगेन तो हम क्या करेंगे उसको फिर से बॉइलिंग वाटर में डिप करेंगे ये जो वाटर वाटर पहले लिया था फिर से लेंगे और लीफ को सॉफ्ट करने के लिए उसको अगेन हम बॉयलिंग वाटर में डिप करेंगे थोड़ी देर के लिए 30 सेकंड मान लीजिए 30 सेकंड तक हम उसको बॉयलिंग वाटर में डिप करेंगे उसको सॉफ्ट करने के लिए क्योंकि यहां पर लीफ काफी हार्ड हो गई थी अब अगर इस हार्ड लीफ से ब्रिटिल लीव से हम एक्सपेरिमेंट कराएंगे यानी आगे चेक करेंगे उसको फर्दर तो वो लीफ टूट जाएगी ठीक है सूखी हुई लीफ है वो टूट जाएगी तो हमारी एक्टिविटी का जो रिज़ल्ट हमको मिलने वाला है इस लीफ से अब लीफ ही टूटी जा रही है तो ऐसी लीफ से हम रिजल्ट कैसे ऑप्टेन करेंगे तो इससे बेहतर है कि हम इस लीफ को पहले बॉइलिंग वाटर में डाल दें ताकि लीफ सॉफ़्ट हो जाए और फर्दर टेस्ट करने में हमको आसानी रहे आगे स्टेप क्या है फिर क्या करेंगे इस लीफ को जब ये सॉफ्ट हो जाएगी बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद तो मैं क्या करूँगा इस लीफ को आप एक वाइट टाइल पर किसी भी सफ़ेद चीज़ पर रखिए अब लीव तो डी कलराइज हो चुकी है ना यहाँ पर एल्कोहल या मिथाइलेटेड स्प्रेड में डालने के बाद तो अब उस लीफ को किसी वाइट टाइल के ऊपर किसी सफेद सरफेस के ऊपर आप रखेंगे और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन लीफ के ऊपर कुछ बूंदें गिराएंगे आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स हम लीफ के ऊपर गिराएंगे क्या होगा अब आयोडीन सॉल्यूशन क्या है इसका कंपोजिशन भी आपको मालूम होना चाहिए आयोडीन सोल्यूशन में पॉइंट ग्राम आयोडीन प्रेजेंट होता है ठीक उसके बाद फाइव ग्राम पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट होता है और हंड्रेड एम ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है तो आयोडीन सोल्यूशन का अगर कम्पोजिशन आपसे पूछा जाए तो ये कम्पोजिशन आप याद रखिएगा कि 0.3 ग्राम आयोडीन प्रेजेंट होता है 5 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट होता है और 100 एम एल वाटर प्रेजेंट होता है तो अब जब हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला लीफ के ऊपर अब इस आयोडीन सोल्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या है हम क्यों आयोडीन सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं आयोडीन सोल्यूशन जो है जब स्टार्च से रिएक्ट करता है आयोडीन सोल्यूशन जब स्टार्च से रिएक्ट करता है तो वो ब्लू ब्लैक कलर शो करता है उसका कलर चेंज हो जाता है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है ठीक है अब अगर इस लीफ पर हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला और लीफ का कलर चेंज हो गया और वो ब्लू ब्लैक हो गया दैट मीन्स उस लीफ़ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है और अगर उस लीफ का कलर आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद चेंज नहीं हो रहा है तो इसका क्या मतलब निकला इसका मतलब हुआ कि लीफ में स्टार्च नहीं प्रेजेंट है तो अगर लीफ में स्टार्च नहीं प्रेजेंट है दैट मीन्स उसके अंदर फोटो भी नहीं हुई है क्लियर अब इस लीफ के साथ जो हम टेस्ट कर रहे थे कि पहले इसको हमने क्यों सॉल्यूशन में डाला उसके बाद इसको डीफ्टार्च किया और अब इसका स्टार्च इस टेस्ट करेंगे तो जैसे ही इस लीफ पर मैंने आयोडीन सोल्यूशन डाला लास्ट स्टेप जो है आयोडीन सोल्यूशन जब इसके ऊपर डालेंगे इस लीफ के ऊपर तो इस लीफ का कलर नहीं चेंज होगा ये लीफ ब्लू ब्लैक टर्न नहीं होगी इससे क्या इन्फ्रेंस निकला इससे यह इन्फ्रेंस निकलता है कि इस लीफ में स्टार्च नहीं प्रेजेंट है क्यों नहीं प्रेजेंट है क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है स्टार्च ना होने का तो यही मतलब निकला ना कि स्टार्च अगर नहीं प्रेजेंट है दैट डैट मीन्स फोटोसेंथेसिस नहीं हुई है और फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है अब जो ये बाकी लीव्स हैं प्लांट की अगर हम इन पर इफ्टाज टेस्ट कराएं इन पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो अपना कलर चेंज कर देगा ब्लू ब्लैक हो जाएगा तो इससे यहाँ पर क्या है निकला कि ये जो लीव्स हैं इनमें अफ्टाज प्रेजेंट है और अगर इन लीव्स में अफ्टाज प्रेजेंट है तो दैट मीन्स इनमें फोटोसिंथेसिस हुई है इसमें इसका क्या रिजल्ट आया था इसका रिजल्ट आया था कि इस लीफ में जब आयोडीन सोल्यूशन डाला था तो कलर नहीं चेंज हुआ था कलर नहीं चेंज हुआ था दैट मीन्स इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई थी अब इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है सारी चीज़ें तो है ना यहाँ पर सनलाइट है वाटर है क्लोरोफिल है सब कुछ इस प्लांट के पास है तो क्या चीज़ नहीं थी इस लीफ के पास क्या नहीं था इस लीफ के पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं था क्योंकि हमने इस लीफ को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में रख दिया था तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया बाकी तीन चीज़ें इसके पास थी पानी भी इसको मिल रहा था सनलाइट भी मिल रही थी क्लोरोफिल तो उसके लीफ के अंदर पहले से प्रेजेंट था तो सारी चीजें मिल रही थी बस सीओ टू यहाँ एबसेंट था और सीओ टू एबसेंट था तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाई यहां पर ये तीन चीज़ें तो थी ही साथ में ये ओपन एनवायरनमेंट में था इसको सीओ टू अवेलेबल थी तो अब देखिए यहां पर सीओ टू नहीं प्रेजेंट था तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुई और यहां पर सीओ टू प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस हो गई दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस क्लियर नाउ सेकेंड एक्टिविटीज टू शो दैट लाइट इज नेसरी फॉर फोटो सिंथिस अब इस एक्टिविटी में हमें शो क्या करना है कि लाइट जरूरी है फोटो सिंथेसिस के लिए इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटो सिंथेसिस के लिए ना हीस अबाउट लाइट इज नेरी फॉर फोटो सिंथेसिस तो यहां भी वही करेंगे एक प्लांट लेंगे और उसको सबसे पहले डिफ्टार्स करेंगे ये मैंने इसलिए लिख रखा है कि यह कॉमन स्टेप है चाहे आप जो भी एक्टिविटी कराइए ये दोनों स्टेप्स कॉमन है हर एक्टिविटी में होंगे ठीक तो आप प्लांट लेंगे और उसको सबसे पहले हम डी इस्टार्च करेंगे टू एंश्योर दैट नो स्टार्च इज प्रेजेंट बिफोर द एक्टिविटी इन द प्लांट जो भी स्टार्च अगर प्लांट में प्रेजेंट है तो वो एक्टिविटी जो हम परफॉर्म कर रहे थे उस वक्त वो स्टार्च बना था ठीक तो अब पहले इस प्लांट को हम डी इस्टार्च करेंगे उसको अंधेरे में रखेंगे एक दिन से लेकर लगभग तीन दिन तक ताकि सारा स्टार्च जो उस प्लांट में पहले से बना हुआ है वो कंज्यूम हो जाए अब इस प्लांट पर वापस एक्टिविटी शुरू करेंगे इस प्लांट को हम सनलाइट लाइट पर रख देंगे ये एक पॉटेड प्लांट है तो इसको वाटर मिल रहा है सॉइल से खुले में है पूरा कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है ठीक वाटर मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है ग्रीन प्लांट है क्लोरोफिल मिल रहा है ठीक है तीन चीज़ मिल रही है और सनलाइट है ठीक है एनवायरमेंट में है दिन में रखा हुआ है तो सनलाइट भी इसको मिल रही है लेकिन हमने क्या किया एक लीफ में लीफ के कुछ पार्ट में ब्लैक पेपर की स्ट्रिप लगा दी ठीक है कुछ पार्ट में आपको यहाँ रहा है ये ब्लैक पेपर की स्ट्रिप लगा दी दोनों तरफ लीफ के दोनों साइड में ब्लैक पेपर की स्ट्रिप लगा दी इस ब्लैक पेपर की स्ट्रिप लगाने के पीछे क्या मतलब है इस ब्लैक पेपर को लगाने की वजह से लाइट इस एरिए में लीफ का जो ये एरिया जो कि ब्लैक पेपर से कवर्ड है लाइट यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी तो ओवरऑल इस पूरे प्लांट को सब कुछ मिल रहा ला है लाइट मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है वाटर मिल रहा है सनलाइट मिल रही है सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है बस इस पार्ट में लीफ के लाइट नहीं पहुंच पा रही है ड्यू टू हमने इसको कवर कर रखा है विद अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर ठीक अब इसको दिन भर के लिए छोड़ देते हैं प्लांट प्लांट को को एंड आफ्टर द डे इज ओवर हम इस इस में से लीफ प्लग कर लेंगे इस लीफ को तोड़ लेंगे यहां से पेपर ऊपर हटा देंगे अब इसके बाद क्या करेंगे सेम प्रोसेस ये प्रोसेस सेम फिर से रिपीट होगा इफ्ताज टेस्ट करेंगे अब चेक करेंगे कि इस लीफ में इफ्ताज बनी है क्या नहीं बनी है ठीक है देखते हैं क्या होता है इस लीफ को पहले बॉइलिंग वाटर में डालेंगे वही 30 सेकेंड्स तक फिर उसको मिथाइलेटेड स्प्रिट या एल्कोहल में बॉईल करेंगे डी करने के लिए अगेन उसको बॉइलिंग वाटर में डिप करेंगे सॉफ्ट करने के लिए और फिर उसको क्या करेंगे वाइट टाइल पे सफ़ेद सरफेस पर रख और उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे अब आयोडीन सोल्यूशन जब उस लीफ पर हमने डाला तो रिजल्ट हमको क्या दिखाई पड़ा इसको आप देखिए ये जो लीफ है जो कि हमने कवर कर रखी थी ये हमारी ये वाली लीफ है जो कि हमने कवर कर रखी थी ब्लैक पेपर से ठीक है आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद सपोज करिए वाला पार्ट जो था वो कवर्ड था विद ब्लैक पेपर यह वाला पार्ट ब्लैक पेपर से कवर्ड था अब जब इस पर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो दिस पार्ट ऑफ द लीफ विल टर्न ब्लू ब्लैक यह पार्ट ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा यह वाला पार्ट जो लीफ का है दिस विल ऑल्सो टर्न ब्लू ब्लैक ये वाले पार्ट का कलर नहीं चेंज होगा अब इससे इन्फ्रेंस क्या निकला इट शोज दैट कि यहां पर और यहां पर स्टार्च प्रेजेंट है और इस जगह पर जहां पर हमने ब्लैक पेपर लगा रखा था वहां पर स्टार्च नहीं प्रेजेंट है अब यहां पर स्टार्च नहीं प्रेजेंट है इस जगह पर तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई थी अब आप सोचिए यहां पर फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुई थी यहां पर फोटोसिंथेसिस इसलिए नहीं हुई थी कि दिस पार्ट वॉज कवर्ड विद ब्लैक पेपर एंड नो लाइट वॉज रीचिंग दिस पार्ट ऑफ द लीफ इस पार्ट पर लाइट नहीं पहुंच पा रही थी तो ओवरऑल हमको यह समझ में आया कि जहां पर लाइट नहीं पहुंच पाई वहां फोटो सिंथिस नहीं हुआ और जहां लाइट पहुंच पा रही थी वहां फोटो सिंथेसिस हो गया सो कंफर्मिंग दैट लाइट इज नेसरी फॉर फोटो सिंथिस अब एक लास्ट एक्टिविटी देख लेते हैं टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस इस एक्टिविटी हम क्या शो करने जा रहे हैं कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं इसके लिए हम एक ऐसा प्लांट ले रहे हैं जिसमें वेरीगेटेड लीफ प्रेजेंट होती है अब यह वेरीगेटेड का क्या मतलब है आपने मनी प्लांट देखा होगा तो मनी प्लांट की लीव कुछ इसी तरह की होती है कि उसमें कुछ जगह लीव में ग्रीन होता है और कुछ हिस्सा उसका येलो होता है ठीक है तो ऐसी लीफ जिसमें कुछ पार्ट उसका ग्रीन हो और कुछ पार्ट उसका नॉन ग्रीन हो उसको बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ अब इसके पीछे बायोलॉजिकल कंसेप्ट क्या है इस लीफ को लेने के पीछे हमारा बायोलॉजिकल कंसेप्ट क्या है ऐसी लीफ जिसमें कि कलर्स अलग अलग होंगे सपोज कहिए ये, ये वाला जो पार्ट है दिस इज येलो ये जितने भी पार्ट हैं ये जिसमें वाई लिख रहा हूँ ये येलो है और बाकी लीफ जो है वो पूरी ग्रीन है दैट मीन्स कि जो पार्ट ग्रीन है वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है और जो ये येलोइश पार्ट हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है तो ऐसा एक प्लांट सपोज करिए आप मनी प्लांट ऐसा एक प्लांट ले लेंगे सबसे पहले अगेन द सेम प्रोसेस डीफ्टार्च करेंगे ठीक है अंधेरे में रखेंगे उस प्लांट को डीफ्टार्च करेंगे और डीफ्टार्च करने के बाद अब वापस उसको लाइट में लेके आएंगे और लाइट में लाने के बाद इसको ऐसे इस प्लांट को छोड़ देंगे तो इस प्लांट को क्या क्या मिल रहा है एनवायरमेंट से पानी मिल रहा है ज़मीन से सनलाइट मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है लेकिन क्लोरोफिल सिर्फ यहाँ प्रेजेंट है तो इस लीफ को सब कुछ मिल रहा है ये लीफ जो कि प्लांट में लगी हुई है इस लीफ को सब कुछ मिल रहा है वाटर मिल रहा है सनलाइट मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है लेकिन इस लीफ के पास कुछ हिस्से में कुछ पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है और बाकी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है तो इस प्लांट को हम छोड़ देंगे ऐसे ही दिन भर के लिए टू लेट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस अब क्या करेंगे दिन भर के बाद इस लीव को प्लांट से तोड़ेंगे ठीक है इस लीव को प्लांट से तोड़ेंगे और अगेन अब उस पर हम करेंगे इस्टाच टेस्ट सेम स्टेप हैव टू तो बी फॉलोड यहाँ पर करेंगे हम पहले लीव को हम बॉयलिंग वाटर में डालेंगे थर्टी सेकेंड्स तक ताकि वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी उसमें सब सीज कर जाए सारे एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाएं फिर मिथाइलेटेड स्प्रिट या एल्कोहल में उसको डिप करेंगे किस लिए डी कलराइज करने के लिए नेक्स्ट हम उसको वापस से पानी में डालेंगे सॉफ्ट करने के लिए और फिर वही सफ़ेद सरफेस पर वाइट टाइल पर हम इस लीव को रखेंगे और इस पर आयोडीन सोल्यूशन पोर करेंगे ठीक है अब जैसे ही इस पर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो जितने ही पार्ट्स आपको येलो दिख रहे हैं दीज पार्ट्स विल नॉट टर्न ब्लू ब्लैक इनमें कोई चेंज नहीं आएगा इनमें आपको कोई कलर चेंज नहीं दिखेगा ब्लू ब्लैक कौन सा पार्ट होगा ये वाला जो कि ग्रीन है ठीक है तो ग्रीन वाला पार्ट लीफ का ब्लू ब्लैक टर्न हो जाएगा एंड द येलो पार्ट विल शो नो चेंज इन कलर तो येलो पार्ट ब्लू ब्लैक नहीं हो रहा है ग्रीन पार्ट जो है वो ब्लू ब्लैक हो जा रहा है इससे मुझे क्या समझ में आया कि येलो पार्ट जो कि ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हो रहा था वहां पर आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद कलर नहीं चेंज हुआ दैट मीनस ये वाले पार्ट जो लीफ के हैं इनमें स्टार्च नहीं प्रेजेंट था ठीक स्टार्च नहीं प्रेजेंट था दैट मीनस इन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई और यहां पे ये ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो गया था तो इसका मतलब हुआ कि ये चूंकि ब्लू ब्लैक हो गया दैट इसमें स्टार्च प्रेजेंट है और स्टार्च प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस हुई होगी तो फोटोसेंथेसिस क्यों नहीं हुई यहां इसलिए नहीं हुई कि क्लोरोफिल यहां नहीं प्रेजेंट था क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट था बाकी तो सब चीजें मिल नहीं थी ना इसको सिर्फ क्लोरोफिल नहीं दिया गया इसको इस प्लांट में इस जगह पर क्लोरोफिल एप्स इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई इस पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट था फोटोसिंथेसिस हो गई इसने पॉजिटिव स्टार्च इस टेस्ट दिया कलर कन्वर्ट हो गया कलर चेंज हो गया इनटू ब्लू ब्लैक और यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ क्या इंफेरेंस मिला हमको इस एक्टिविटी से कि दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस तो ये सारी वो एक्टिविटीज थी जो कि आपके क्लास 10 सीबीएसई के सिलेबस में और ये एक्टिविटीज़ से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एम हर साल ज़रूर पूछे जाते हैं तो इन एक्टिविटीज़ का इसीलिए मैंने जो बेसिक कंसेप्ट था वो आपको समझा दिया जो बेसिक स्टेप्स थे ये आपको मैंने तीन बार हर एक्टिविटी में बार बार रिपीट करवाए ताकि आपको ये स्टेप्स याद रहें फॉलो करें ताकि आपको ये स्टेप्स याद रहें बिकॉज इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लीव को बॉइलिंग वाटर में क्यों डाला जाता है लीफ को मिथाइलेटेड स्प्रिट या एल्कोहल में क्यों डाला जाता है तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं एम या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जरूर पूछे जाते हैं सो आई होप कि आपको ये सारी एक्टिविटीज समझ आ गई होंगी नॉ इन द नेक्स्ट लेक्चर आई बैक विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑन द सेम चैप्टर लाइफ प्रोसेस फॉर क्लास टेन सो स्टे टूड विद मी थैंक यू